स्पाइडरमैन को अभी तक आप लोगों ने टीवी स्क्रीन और फिल्मों में देखा होगा कि वह किस तरह से दीवार पर चढ़ जाता है, मगर आज हम आपको रियल लाइफ में एक 7 साल के स्पाइडर बॉय से मिलाने जा रहे हैं जो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। इस बच्चे के कारनामों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले यशार्थ सिंह की है। ये बच्चा महज 7 साल का है और अभी क्लास 3 में पढ़ता है, और यशार्थ सिंह बिना किसी सहारे और बिना किसी सपोर्ट के दीवारों पर स्पाइडरमैन की तरह बड़ी तेजी से चढ़ जाता है। और इसके 7 साल के स्पाइडर बॉय का कहना है कि इस छोटे से स्पाइडरमैन को टीवी में दीवारों पर चढ़ते हुए देखा था, जिसके बाद से इस बच्चे ने अपना मन दीवार पर चढ़ने का बनाया और अब यह बच्चा बड़ी आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। यही नहीं, यशार्थ दीवार पर ऊपर चढ़ने के बाद अपने हाथों के सहारे दीवार पर चिपका रहता है और कभी ये अपने पैरों के सहारे दीवार पर चिपका रहता है। पहली बार जब यशार्थ दीवार पर चढ़ा तो उसको थोड़ा सा डर भी लगा था, मगर अब तक उसे किस प्रकार का डर नहीं लगता है। वह अगर यशार्थ की माँ की बात मानी जाए तो पहली बार जब माँ ने अपने बेटे को दीवार पर चढ़ा देखा तो उनको काफ़ी डर लगा। जब पहली बार यशार्थ दीवार पर चढ़ा तो उसने अपने बड़े भाई को बुलाया और एक एक करके घर के सभी सदस्यों इस बच्चे को देख चौंक गए। वहीं आपको बता दें कि यशार्थ IPS अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव है। मेरे लड़के का नाम यशार्थ सिंह गौर है, और एक दिन ऐसे ही खेल खेल में ये चढ़ रहा था तो इसने मुझे आवाज़ दी चढ़ के। इसके बड़े भाई ने देखा और फिर इसने आवाज़ दी हमको और इसके पापा को, तो हम लोग आए, हम लोग ने देखा, तब ये तब से ही लगातार चढ़ता रहा और ऐसे अब तो इसकी आदत में आ गया है, फट से चढ़ जाता है तुरंत ही ऊपर। वैसे तो ये खुद भी IPS ऑफिसर बनना चाहता है और हम इसके साथ ही देंगे जो ये पढ़ना चाहेगा, जो ये बनना चाहेगा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशार्थ सिंह गौर है। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। दीवारों पे आप चढ़ लेते हो, तो कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, किस तरीके से, क्या हुआ कि आप दीवारों पे चढ़ना शुरू करते हो? मैंने एक बार स्पाइडरमैन मूवी देखी थी तो मैंने सोचा काश मैं भी ऐसे चढ़वा देती हूँ। सबसे पहले मुझे ये दीवार देखी, मुझे लगा एक बार ट्राई करता हूँ। फिर मैं पहले बार फिर ट्राई करा तो मैं गिर गया। फिर मैं हर दिन ट्राई करता रहा तो एक दिन मैं चढ़ गया। फिर मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया तो उसने सबको बुलाया तब सबने देख लिया। फिर सबने पहले मना किया कि ना चढ़ो। फिर जब मेरी आदत हो गई तो चढ़ने लगा तो सब लोगों को भी लगने लगा आप नहीं गिरेगा। तब से मैं चढ़ती हूँ। आप तो क्या आपको डर नहीं लगता है, गिरने में डर नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सामने देखता हूँ और लगता है कि अगर मैं गिर भी गया तो कूद जाऊँगा, पहली बात मैं नीचे ही नहीं देखता जहाँ तक की होगी। मेरा मन तो अभी सिर्फ पढ़ाई करूँगा, लेकिन जब अगर बड़ा होऊंगा तो IPS ही बनूंगा। IPS ही क्यों? क्योंकि मुझे IPS सबसे अच्छी स्टेज लगी है।